हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ, अगर आपकी गाड़ी में फ़ैन वर्क नहीं कर रहा है NS या AS 200 में, RS का नहीं बताऊँगा, RS का थोड़ा सिस्टम अलग है, तभी आपको मैं NS और AS के बारे में बताऊँगा। अगर आपका रेडिएटर का फ़ैन वर्क नहीं कर रहा, सब कुछ कर लिया है उसके बाद भी, तो वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग को बताता हूँ मैं, अगर आपकी बाइक में फ़ैन वर्क नहीं कर रहा है, NS हो या AS हो, वैसे RS का भी है, लेकिन थोड़ा क्या RS में, इसलिए उसके बारे में आपको अभी इस वीडियो में इतना नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, ECU होता है, तो उसका थोड़ा सिस्टम अलग होता है। तो गाइस, अगर आपकी बाइक में फ़ैन वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, आपकी गाड़ी में फ़ैन सही है बट उसके बाद भी वो ऑन नहीं हो रहा है ओवर हीट होने पर, तो आपको क्या चेक करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर सेंसर होता है, आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ठीक है, ये ख़राब होने के कारण आपका फ़ैन वर्क नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़ैन को चेक कर लेना है डायरेक्ट, जहाँ पे इधर यहाँ से यहाँ पे एक रिले लगा होता है, वहाँ से आपको चेक कर लेना है, ठीक है, फ़ैन काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कई बार ऐसा होता है, टेम्परेचर सेंसर भी सही होता है और फ़ैन का रिले भी सही होता है, लेकिन आपका फ़ैन ख़राब होता है, तो पहले आपको फ़ैन को चेक कर लेना है, उसके बाद में आपको टेम्परेचर सेंसर और रिले के बारे में आपको बताता हूँ मैं कि आप कैसे चेक करोगे आपका फ़ैन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना गाइस, अपना सबसे पहले तो रिले को डायरेक्ट कर लो, ठीक है, उसके बाद अगर आपका टेम्परेचर सेंसर ख़राब है तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है, आपको टेम्परेचर सेंसर को यहाँ से ओपन कर लेना है। मेरी गाड़ी का भी टेम्परेचर सेंसर ख़राब है, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसको डायरेक्ट करके रखा फ़ैन को, मतलब मैं जब यहाँ से स्विच ऑन करता हूँ तब मेरा फ़ैन ऑन हो जाता बाइक का, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर ख़राब है, ये मुझे इसलिए पता है, जब भी मेरी बाइक ओवरहीट हो रही है तो उसके बाद फ़ैन ऑन नहीं हो रहा है, बाकी फ़ैन सही है, बाकी हर चीज़ सही है, वायरिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब आप यहाँ का ये टेम्परेचर सेंसर का एडाप्टर बाहर निकाल दोगे ना, तो आपकी गाड़ी में ओवरहीटिंग का जो सिम्बॉल है ना, वो ब्लिंक होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर RS या ड्यूक में ये टेम्परेचर सेंसर का वायर बंद, मतलब प्लग निकाल दो, तो फ़ैन ऑटोमेटिक ऑन ही रहता है, बाकी ये गाड़ी में नहीं होता, क्योंकि अपनी कार्बोरेटर बाइक है, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये टेम्परेचर सेंसर को चेंज कर देना अगर फ़ैन नहीं चल रहा है, अगर आपने दो जगह से फ़ैन चेक कर लिया है वर्क कर रहा है तो, ठीक है। अगर आपको चेक करना है टेम्परेचर सेंसर कैसे चेक करें, तो गाइस क्या करना, आप यहाँ से टेम्परेचर सेंसर को बाहर निकाल लेना, ठीक है, कंप्लीट, और उसमें अपना ये वाला एडाप्टर लगाना वापस से कंप्लीट, और उसके बाद उसको एक लाइटर से हीट करना, ठीक है, गाड़ी ऑन कर लेना उसका टेम्परेचर सेंसर को हीट करना। अगर आपने बहुत थोड़ी देर हीट करना अच्छे से लाइटर से या किसी और भी चीज़ से कर सकते हो, अगर फ़ैन ऑन हो गया तो समझ जाओ कि आपका टेम्परेचर सेंसर काम कर रहा है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा वीक होने के कारण क्या होता है, जब गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवर हीट होती है तब ऑन होता फ़ैन। तो आपको क्या करना है, ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टेम्परेचर सेंसर को चेंज कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से अगर रिले से प्रॉब्लम है तो यहाँ से आपको वायर जॉइंट करके चेक कर लेना है। रिले को आपको चेक करने के लिए मैंने एक पहले वीडियो में बताया हुआ है, तो वीडियो को आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर डली हुई है। बट रिले ज़्यादातर ख़राब नहीं होता जब फ़ैन वर्क नहीं करता है, वो टेम्परेचर सेंसर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर में प्रॉब्लम आने के कारण ही फ़ैन आपका ऑन नहीं होता, ठीक है, जो जब गाड़ी ओवरहीट हो जाती है तब, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, अभी आप देख रहे होगे मेरी बाइक में यहाँ पे कूलेंट कम है, तो कूलेंट अगर कम रहेगा तो भी आपका फ़ैन ऑन होता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगा कि मतलब कूलेंट बार बार गाड़ी में कम हो रहा है, तो आपको यहाँ की सील चेक करवा लेनी है, ठीक है, और हेड गैस्केट का, खैर हेयर गैस्केट में जब काम आता है तो गाड़ी में पावर भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, बट वो ऐसा बाइकों में नहीं आता, वो कारों में होता ज़्यादातर, ठीक है, इसमें बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया वीडियो में, आपकी बाइक में फ़ैन काम नहीं कर रहा तो आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सेंसर पर ध्यान देना है कार्बोरेटर वाली बाइक में, ठीक है। बाकी जो RS हो गई या ड्यूक हो गई, इनमें क्या होता है, डोमिनर हो गई, इनमें बता देती गाड़ी ओवरहीट होती है तो कि ओवरहीट हो रही हूँ मैं, ठीक है, सिम्बॉल आ जाता है, बाकी इनमें नहीं आता है, इनमें बहुत रेयर केस में, मैंने तो आज तक जब भी अभी मेरी गाड़ी का सेंसर ख़राब है तो फ़ैन नहीं भी चलता है तो इसमें सिम्बॉल नहीं आता है ओवरहीटिंग का, ठीक है, बहुत मैंने तो अभी तक नहीं देखा। टेम्परेचर मीटर से चेक कर लिया था कि इंजन का टेम्परेचर कितना जा रहा है, मैं जब इंजन का टेम्परेचर देखा था
तो वो 100 के ऊपर चला जा रहा था, 100 110 120 के डिग्री के ऊपर, उसके बाद भी फ़ैन ऑन नहीं हो रहा था। तो पहले मुझे लगा शायद ये रिले ख़राब होगा, तो रिले मैंने चेक कर लिया, रिले सही है। टेम्परेचर सेंसर इंजन को मतलब चेक कर लेता है कि इंजन मतलब गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करता है वो उधर कमांड भेज देता है रिले पे, तो वहाँ से फ़ैन ऑन हो जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ से करंट यहीं से आता है, वहाँ पे यहीं से मतलब फ़ैन ऑन होता है। ठीक है, अगर ये ख़राब हो जाता है मतलब ये ख़राब हो जाता है तो फ़ैन ऑन नहीं होगा। ठीक है, रिले अगर आप चेंज भी कर दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अभी मैं आपके बहुत सारी चीज़ों पर वीडियो बनाऊँगा, और ये जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपकी, ये और भी बाइकों के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ NS और AS के लिए। वैसे काम तो ये RS में भी आएगी, बट RS में थोड़ा क्या ECU होता है तो वो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती बाइक में, मतलब अगर कोई दिक्कत वो सब चीज़ें बता देती। बाकी ये कार्बोरेटर वाली गाड़ी में टाइम लगता है हर चीज़ बताने में, ये बता नहीं पाती। जैसे कि अगर इसमें ओवर हीटिंग होगी तो आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी चलेगी, बट अगर NS हो सॉरी जो भी BS6 बाइक है, ECU वाली या RS होगी अपनी ECU वाली, ये सब नहीं चलेगी बाइक। अगर ये ओवरहीट होगी तो ये गाड़ी बंद कर देते हैं, और या 1000-2000 के ऊपर RPM ही नहीं जाएगा। ये जिनमें ECU होता है उसमें होता है। ठीक है, बाकी कार्बोरेटर वाली गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपकी गाड़ी ओवरहीट हो रही तो चालू नहीं होगी, जब वो बहुत ज़्यादा ओवरहीट होगी तभी ऑन होगी। ठीक है भाई, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।